दुनिया में हर इंसान की यही चाहत होती है कि लोग उसे प्यार करें, उसे पसंद करें, उससे बात करना चाहें, उससे दोस्ती करना चाहें, उसका साथ सबको अच्छा लगे। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि लोग उससे नफरत करें, उसकी बुराई करें, उसके लिए गलत बोलें या उससे दूर भागे, उसे ना पसंद करें। पर ऐसा क्यों होता है सिर्फ कुछ लोगों को ही सारे लोग पसंद करते हैं और कुछ लोगों से तो सबको प्रॉब्लम होती है? वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से कोई इंसान सबका प्यारा बन जाता है, और वो कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से कोई इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता है? ये 10 बातें जिस भी इंसान के अंदर होंगी वो सबको अच्छा लगेगा, सब उसे चाहेंगे, हर इंसान की जिंदगी में उसकी स्पेशल जगह होगी। तो आइए जानते हैं उन 10 बातों के बारे में। सबसे पहली बात, नेवर कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज पीपल। जो लोग हमेशा दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं ना, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आप खुद सोच कर देखो, क्या आपको वो इंसान अच्छा लगेगा जो आपको आकर आपकी बुराई करे, आपके लिए गलत बोले, आपकी कमियां निकाले? आपको वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ये आदत आप में है तो आप किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर आपको किसी की भलाई के लिए कुछ कहना भी है तो पहले आप ये समझिए कि क्या वो उससे सुनने और समझने के लिए तैयार है, क्या वो उन बातों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। कहते हैं ना, मूर्ख इंसान भलाई की बात मानता ही नहीं है, बल्कि वो आपसे ही लड़ता है। सिर्फ समझदार इंसान ही आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा। तो हर किसी को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, लोगों की कमियां मत निकालिए, लोगों की बुराइयां मत निकालिए। इससे सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरी चीज, गिव क्रेडिट एंड वैल्यू पीपल फॉर देयर वर्क। जब तक आप लोगों को और उनके काम को वैल्यू नहीं देते, क्रेडिट नहीं देते, तब तक आप उनके दिल में स्पेशल जगह ले ही नहीं पाएंगे। भले आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए थोड़ा सा ही तो किया है, वो चीज आपके लिए थोड़ी सी हो सकती है, पर अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप उसके काम को, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो इंसान कहेगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसके लिए चाहे कुछ भी कर लो ये कभी वैल्यू करेगा ही नहीं, इसे कदर ही नहीं है किसी की। और ऐसे में सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहें, आपको प्यार करें, तो लोगों को उनके काम का क्रेडिट देना सीखिए कि हाँ, ये इसने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें वैल्यू दीजिए कि वो कितने स्पेशल हैं अपने आप में और आपके लिए। जब आप लोगों को वैल्यू देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इस चीज से उनके दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह बन जाती है, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपको चाहने लगते हैं। और तीसरी बात, डोंट गेट एंग्री वेरी सून, स्टे काम एंड कूल एंड हैव अ हैप्पी नेचर। जो लोग हर छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं ना, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। और जो लोग शांत और हैप्पी नेचर के होते हैं, वो सबको अट्रैक्ट करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। जिस इंसान को हर बात बुरी लग जाती है, हर बात पे ही गुस्सा आ जाता है, तो लोग कहते हैं इससे तो हमें बात ही नहीं करनी, इसे कुछ कहो तो बल्कि और गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, इससे तो दूर रहो वही अच्छा है। इसीलिए हर बात को इतना दिल पे मत लगाइए, लोगों की हंसी मजाक को हंसी मजाक में ही लीजिए, हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और जब आप एक शांत और खुश इंसान बनकर जीते हैं, तो आपकी ऑरा दूसरों की जिंदगी में भी शांति और खुशियाँ लाती है, और जिसकी वजह से लोग आपके साथ पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। चौथी बात, डोंट टेक इंस्टेंट एक्शन। कभी भी किसी सुनी सुनाई बात पे एकदम से एक्शन ना लें। जो लोग किसी की भी बातों में आकर बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ऐसे लोग ना किसी पे विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हैं और किसी पे शक भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इस कमजोरी की वजह से कोई उन पर विश्वास नहीं कर पाता कि इसका कोई भरोसा नहीं, इसे कब क्या हो जाए, इसे विश्वास ही नहीं होता है, ये शक ही करता रहता है। अगर आप बिना सोच विचार के कोई भी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, तो आप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते। किसी के साथ अगर आप दिल से जुड़ना चाहते हैं ना, तो थोड़ा धीरज रखना सीखिए, थोड़ा इंतजार करना सीखिए। जब तक किसी बात की आपको पूरी हकीकत ना पता हो, तब तक जल्दी में आकर कोई फैसला ना ले। पांचवी बात, हैव अ हेल्पिंग नेचर। जो इंसान ना दूसरों की मदद करता है,
दूसरों की तकलीफ में हेल्प करता है वो सबको अच्छा लगता है। एक इंसान जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और दूसरा इंसान जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों का साथ देता है, हमेशा उसी इंसान के दोस्त ज्यादा रहेंगे जो सबकी मदद करता है। जितना सेल्फिश उतना अकेला, और जितना हेल्पिंग उतना उसकी लाइफ में अच्छे दोस्त जुड़े रहेंगे। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छे दोस्तों का साथ होना। क्योंकि जो इंसान सबका साथ देता है, सबकी हेल्प करता है, वो सबके लिए बहुत यूजफुल होता है। उसे सब चाहते हैं, सब पसंद करते हैं, और उसके साथ हर कोई अपना कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि ये इंसान हर सुख दुख में सबके काम आता है। छठी बात, डोंट ईट टू मच। जो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं ना, वो हमेशा हंसी के पात्र बनते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता है, ना ही उसके पास ऐसा शरीर होता है जो सबको पसंद आए, और ना ही उसके पास ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो सबको अच्छी लगे, और सबकी नजर में हमेशा उसकी वैल्यू गिरी रहती है, वो एक मजाक का पात्र बन के रह जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों के बीच में हैं, भीड़ में हैं, किसी फंक्शन में हैं, तो अपनी डाइट को बैलेंस रखें। कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि फ्री में मिल रहा है तो खाते जाओ, कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि फ्री है, जितना खा सकते हो खा लो। अरे फ्री है तो इसका मतलब क्या, शरीर तो आपका है ना, बीमार तो आप होगे, हंसी के पात्र भी आप बनोगे। फ्री हो या पेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपसे प्यार करें, आपको चाहें, तो आप अपने अंदर बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत कभी मत आने देना। सातवीं बात, डोंट टॉक टू मच। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसका बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। वो इंसान सबको पकाने लगता है, सबके सर में दर्द कर देता है। बोलो कम सुनो ज्यादा, उसी से ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। जो इंसान ज्यादा सुनता है और बोलता कम है, वही इंसान आकर्षण का केंद्र बनता है, वही इंसान सबको प्यारा लगता है। और जो इंसान बस बकबक करता रहता है, बहुत बातें करता है, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। सब भाग जाते हैं उसे देख करके कि अगर इसकी नजर हम पे पड़ गई, हमें देख लिया तो पकड़ लेगा, हमें पका देगा हमको, तो भागो यहाँ से, इससे बात ही नहीं करनी। इसीलिए जब भी आप लोगों से मिले तो सुने ज्यादा और बोले कम। आठवीं बात, बी मिस्टीरियस। आप अपने बारे में सब कुछ मत बता दे किसी को भी। आप जितना खुद को हाइड रखेंगे, उतना ही लोग आपको जानना चाहेंगे। कुछ लोगों को ना आदत होती है, अपनी पूरी बायोग्राफी बता देते हैं, अपनी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देते हैं। सच कहूं, ऐसे लोग कभी किसी को स्पेशल तो लग ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को स्पेशल लगें, तो खुद को मिस्टीरियस बना के रखिए, जिससे लोग आपको जानने में इंटरेस्टेड रहें, और उसी की वजह से लोगों को आप में अट्रैक्शन होगा, आपकी तरफ खिंचाव होगा। नवी बात, विश योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर देयर स्पेशल डे। जो लोग अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को उनके स्पेशल दिन पे विश करते हैं ना, वो उनकी जिंदगी में बहुत स्पेशल बन जाते हैं। अगर आप किसी के बर्थडे के दिन उसे कॉल करके विश करते हैं, उसे बधाई देते हैं, तो विश्वास रखना वो आपकी इस बात को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि वो दिन उसके लिए बहुत स्पेशल होता है। और आप सरप्राइजली उसे विश करते हैं, तो उस इंसान को बहुत अच्छा और स्पेशल लगता है। इस बात को लोग सालों साल नहीं भूलते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन, मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन इस इंसान ने मुझे विश किया था। भले आप मैसेज पे विश करते हो, पर ऐसे स्पेशल दिन पे आप उन्हें कॉल करके विश करिए, उन्हें बधाई दीजिए। सच कह रहा हूँ, ये एक छोटी सी चीज ना उनकी जिंदगी में आपको बहुत स्पेशल बना देगी। दसवीं बात, मेक योर लुक्स, ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी एंड ऑरा प्रेजेंटेबल। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप कैसे दिखते हैं, उसी से ही लोगों की आपके बारे में राय बनती है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे पहनते हैं, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, वैसे ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। एक राजा की पहचान क्या होती है, क्या वो अपना राज्य साथ लेके घूमता है? नहीं, उसकी चाल ढाल, उसका पहनावा, उसका तौर तरीका। एक वेटर की पहचान क्या है, उसकी चाल ढाल, उसका पहनावा। एक बिजनेसमैन की पहचान क्या होती है, क्या वो हमेशा दुकान खोल के बैठा रहता है? नहीं, वो खुद को कैसे कैरी करता है, खुद को कैसे प्रेजेंट करता है। तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। अगर आप मुरझाए, दुखी और डूबे हुए हैं, तो लोगों की आपके बारे में वही राय बन जाती है
कि ये तो महादुखी इंसान है। और अगर आप एक हैप्पी एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ खुद को अच्छे से कैरी करते हैं तो आप सबको अच्छे लगते हैं। आप खुद को जैसा दिखाएंगे लोग आपको वैसे ही देखेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे दिखाते हैं। अगर ये 10 बातें जो भी इंसान अपनी जिंदगी में अपनी आदत बना लेना, तो उसकी जिंदगी में ना प्यार करने वालों की, दोस्तों की, चाहने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको चाहता नहीं, आपसे प्यार नहीं करता, आपसे दोस्ती नहीं करता, तो खुद को चेक करो कि आप में ये सारी क्वालिटीज हैं या नहीं। अगर आप में ये सारी की सारी बातें हैं तो आपको सबका प्यार मिलेगा और आप सबके प्यारे बन जाओगे।